हेलो गाइस, तो अभी हम ये होंडा SP125 BS6 इसका एक टेस्ट राइड करने वाले हैं और देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो ऑलरेडी मैंने इस बाइक का एक वॉक अराउंड वीडियो बना रखा है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई लिंक बटन ऊपर टॉप पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और इसमें आपको आगे की तरफ LED लाइट मिलती हैं, जो टायर्स हैं इसमें आपको दोनों ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं 80x100 सेक्शन के। और ये है इस बाइक का कुछ ओवरऑल वॉक अराउंड। तो चलिए अभी हम इस बाइक को टेस्ट राइड करते हैं और देखते हैं कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस बाइक को अभी हम टेस्ट राइड करते हैं और देखते हैं कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है। इंजन काफ़ी स्मूथ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप 30-60 किलोमीटर पर आर की स्पीड में चलाएंगे तो आपको इको मोड ऑन रहेगा, ये ग्रीन वाला, और अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो ये इको मोड ऑफ हो जाता है। तो वैसे हम लोग अभी दो लोग बैठे हुए हैं इस बाइक में और इस बाइक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्मूथ है गाड़ी। BS6 का रिफाइनमेंट आने के बाद इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा हो गया और आप देख सकते हैं कि कितने जल्दी ये स्पीड पकड़ लेती है। तो अभी हम फिफ्थ गियर में चल रहे हैं। तो इंजन काफ़ी स्मूथ हो गया है और जो पावर है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो पावर है वो 0.6 BHP से बढ़ गया है और टॉर्क भी कुछ 0.6 न्यूटन मीटर से बढ़ गया है, तो उससे इसका जो पावर है काफ़ी अच्छा हो गया है और इसमें आपको स्पीड भी आराम से 100 तक मिल जाएगी। और जो इसका जो माइलेज है, तो शाइन SP125 का जो माइलेज आता था 60 किलोमीटर पर लीटर का, तो उससे बेटर माइलेज इसमें मिलेगा। इस बाइक से आप माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं 65+। तो ऑलरेडी लोगों ने कुछ वीडियोज़ बना रखे हैं जिसमें उनको माइलेज 65-70 तक भी मिल रहा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो काफ़ी स्मूथ है गाड़ी और हम लोग दो लोग बैठे हैं, उसके बाद भी गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोई लोड है और काफ़ी अच्छी चल रही है गाड़ी, कंट्रोल्ड है गाड़ी। तो इस बाइक की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो 90,000 ऑन रोड पुणे है, अगर आप ड्रम वेरिएंट लेते हैं आगे की तरफ। अगर आप आगे की तरफ डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो आपको 95,000 ऑन रोड पुणे पड़ जाएगी। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और पावर इंक्रीज़ हो गया है, तो इससे आपका टॉप स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो इसका जो टॉप स्पीड होगा वो अराउंड 100 से लेके 110 किलोमीटर पर आर तक इसका टॉप स्पीड हो जाएगा। तो सस्पेंशन भी इस गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं और पुराने से काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और पीछे आपको मोनोशॉक हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है 5-स्टेप एडजस्टेबल, तो उसके हिसाब से आप राइडिंग के हिसाब से अपना सस्पेंशन का वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये एवरेज भी दिखा रहा है कि आपके फ्यूल का कितना एवरेज आ रहा है अभी, तो ये इसका भी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा देता है। तो होंडा की तो सारी गाड़ियों का परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, चाहे वो होंडा की एक्टिवा 125 BS6 हो या फिर ये वाली गाड़ी जो SP125 BS6 है, तो ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है, स्मूथ है गाड़ी काफ़ी। तो इससे इसके इंजन की पावर से ही लगता है कि इसका जो माइलेज होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, हालांकि ये गाड़ी इतनी वो नहीं है कि आप इसको भगा सके, तो ये काफ़ी स्टेबल गाड़ी है। और इसमें आपको सबसे बेस्ट पार्ट की माइलेज काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि जो इसका इंजन है वो काफ़ी फ्यूल इफिशेंट है। तो इस बाइक का जो टॉर्क है वो काफ़ी सही है, लेकिन अगर आप बजाज की गाड़ियों का देखेंगे तो टॉर्क उनका काफ़ी अच्छा रहता है, स्पेशली बजाज पल्सर 125, और उसका पावर भी काफ़ी अच्छा है, तो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये गाड़ी थोड़ी फेल हो जाती है। लेकिन जो इसका माइलेज वाइलेज है और इंजन का जो स्मूथनेस है वो काफ़ी अच्छा है, माइलेज कंपेयर करेंगे इसका और बजाज का तो डेफिनेटली इसका जो माइलेज होगा काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जो इसका इंजन है इसका जो पावर है उतना ज़्यादा नहीं है पल्सर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो। तो फैमिली वालों के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है, क्योंकि आपको इसमें माइलेज है काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, तो 65+ तक का माइलेज आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको 5-स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, तो काफ़ी सही है वो चीज़।
तो बेसिकली इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, रियल टाइम माइलेज मिल जाता है। फिर इसका अभी आपको यहाँ पे देखेंगे तो एवरेज दिखा रहा है ये 93 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे रेंज भी दिखा रहा है कि 60 किलोमीटर की रेंज अभी बची है, इसमें जा सकता है। और तो चलिए एक बार इसका हम टॉप स्पीड चेक करते हैं। जैसा कि आपने देखा इसका जो स्पीड है वो अराउंड 100-110 किलोमीटर पर आर तक का स्पीड चले जाएगा इसमें। तो यही सब इस SP125 BS6 का एक राइड रिव्यू था। तो मेरे को इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा है और इसका इनिशियल पिकअप और टॉर्क इतना नहीं है अगर आप कंपेयर करें बजाज की गाड़ियों से या फिर दूसरी गाड़ियों से, तो 125 सीसी में इसका टॉर्क सफिशिएंट है। और स्पेशली अगर आप फैमिली वाले लोग हैं और फैमिली के लिए क्योंकि माइलेज आपको बेटर चाहिए होगा तो उसके लिए ये बाइक खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो माइलेज है वो बहुत ही बेहतर मिल जाएगा। 65 प्लस माइलेज तो मिल जाएगा आराम से पर लीटर। और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, स्मूथ इंजन है काफ़ी और स्टेबल है। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर बाइक अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू गाइज़।